तो नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम हर टॉपिक का मास्टर वीडियो बनाते हैं। तो यह पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत का जो वीडियो था, इसमें कुल 13-14 ही प्रश्न थे। तो इसका भी आपका मास्टर वीडियो है, कुल मिलाकर 13-14 प्रश्न ही हैं। तो कम से कम मास्टर वीडियो की सीरीज में डाल देना चाहिए, क्योंकि मास्टर वीडियो की जो सीरीज है वह टॉपिक टू टॉपिक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक TGT PGT नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर घटनाचक की जितनी भी किताब, घटनाचक की जो बुक है TGT PGT की, उसकी टॉपिक टू टॉपिक सारा का सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। 15-20 मिनट के भी वीडियो मिलेंगे, और 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का भी वीडियो मिलेगा। जैसे ही जो कोई टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक होगा कंप्लीट होगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। और 5500 वाले क्वेश्चन का रामबाण PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री की यह 51वीं सीरीज है। कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी, मैं बहुत तेज़ी से इसे पढ़ाता जाता हूँ, बहुत फास्ट बोलता हूँ मैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए, बहुत फास्ट बोलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग YouTube चलाते होंगे तो YouTube में ही ऐसी सुविधा है कि आप खुद मेरी आवाज़ को फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। आप जब YouTube चला रहे हैं तो वहाँ पर उधर आपके दाहिनी तरफ 3 डॉट बने होंगे, जैसे यहाँ पर 3 डॉट है, वैसे आपके YouTube पर 3 डॉट बने होंगे। उस 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक देगा आपको हमारी आवाज़ को स्लो करने का भी ऑप्शन देगा, और फास्ट करने का भी ऑप्शन देगा, और जितना चाहें आप उतना परसेंटेज आप फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो जो सुविधा आपके के पास खुद मौजूद है, YouTube ने दिया है, उसकी शिकायत अब हमसे क्या करना। हालांकि मैं प्रयास करूँगा कि अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोलूँगा, लेकिन यह सुविधा आपके पास है, आप खुद हमारी आवाज़ को फास्ट कर सकते हैं, 2 गुना स्पीड कर। अब मैं जिस स्पीड में बोल रहा हूँ, आप चाहें तो आप 2 गुना स्पीड में कर सकते हैं मेरी आवाज़ को, और 2 गुना स्लो भी कर सकते हैं। तो आप, ये अपनी इच्छा है, आपके पास सुविधा है। तो देखिए, संगमकालीन दक्षिण भारत आज से हम शुरुआत करेंगे, और यह 51वीं सीरीज है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और 5500 ऑनलाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF TGT PGT के नाम से हिस्ट्री का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का रामबाण PDF TGT PGT ज्योग्राफी का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों, चार्जेबल है। आइए शुरुआत करते हैं। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है, तो गंधर्व विवाह हेतु जो शब्दावली मिलती है वह है पंचतीड़े। पंचतीड़े का मतलब होता है गंधर्व विवाह, और UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह को पंचतीड़े कहा जाता है अगस्त ऋषि के शिष्य तुलकप्पियर द्वारा। देखिए, तुलकप्पियर जो है अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। तुलकप्पियर द्वारा तुलकप्पियम ग्रंथ की रचना की गई। संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को पंचतीड़े और एक पक्षीय प्रेम को कैकतीड़े कहा गया है। देखिए, घटनाचक्र की बुक की यही खासियत होती है कि एक प्रश्न में आपके, देखिए, कई से 4 से 5 फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं, तो इसीलिए घटनाचक्र अच्छी पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न 2 देखिएगा। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन था, तो संगम युग का जो सबसे बढ़िया समुद्र पत्तन था, यानी बंदरगाह था, वह था पुहार, जो कावेरी नदी के तट पर था। GIC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संगम युग व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए अत्यधिक विख्यात है, ब्राह्य व आंतरिक व्यापार इस समय अत्यधिक प्रगति पर थे। उहार इस काल का समृद्ध बंदरगाह था, जहाँ से बड़े बड़े जहाज माल लाद कर विदेश से आते जाते थे। प्रश्न 3 देखिएगा। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी, संगम युग में चोल शासकों की जो राजधानी थी वह क्या थी? उरैयूर और अर्काट। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी उरैयूर और अर्काट। PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न ये। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। संगम युग इन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ था। इनका राज्य पेन्नार और दक्षिण बेल्लारू नदी के बीच में स्थित था। प्रारंभ में चोल राज्यों की राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, बाद में उरैयूर और तंजावर भी राजधानियां बनी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चेर राज्य की राजधानी वज्जी या करियूर थी, तथा द्वितीय राजधानी जो थी वह तोंडी थी। पांड्य राज की राजधानी जो है वह मदुरै है। कुरकई इनकी तटीय राजधानी थी। देखिए, तटीय राजधानी जो थी कुरकई थी। चोल पांडचेर तीनों जो राज्य थे, इनकी दो राजधानियां थीं। प्रश्न 4 देखिए। पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया गया है? तो किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया गया है? सिलप्पाधिकारम में। PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। चेर राज्य का सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टवन और धर्मपरायण गुट्टवन था।
इसको लाल या भला चेर भी कहा जाता है। इसी ने चेर राज्य में पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। इसमें पवित्र पत्नी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। इसे कन्नगी पूजा भी कहा जाता था। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य और चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, संगम युग के कुल 5 महाकाव्य हैं शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीव चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केश। इसमें प्रथम 3 ही उपलब्ध हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगोवादिगल हैं, मणिमेखलय के लेखक जो हैं शीतलय संतनार हैं, जीवक चिंतामणि के लेखक जो हैं तुरुक्त देवर हैं, अहनानूर के रचनाकार जो हैं रुद्र शर्मन अहनानूर के रचनाकार हैं। और इसी ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 5 देखिएगा, किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है? तो शिल्पाधिकारम में KBS PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 6 देखिएगा, कुरल का रचयिता कौन था? कुरल का रचयिता जो था, कुरल एक ग्रंथ है, इसका रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुरल अथवा कुरल की का सृजन किया था। करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल 190 ईस्वी माना जाता है। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की थी। 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था इसने। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रह्मण्यम है। उत्तर भारत के अस्तंत कार्तिके से इसका तादात्म्य स्थापित किया गया है। मुरुगन का दूसरा नाम था वेलन, दो नाम थे मुरुगन के। कार्तिकेय भगवान को मुरुगन कहा जाता था दक्षिण भारत में, अब भी कहा जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे संगम की अध्यक्षता किए थे नकीरर, और पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता किसने किया था? ऋषि अगस्त ने, और तीसरे संगम की अध्यक्षता किया था नकीरर ने। PGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है, संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल कहलाता था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन केंद्र उत्तरी मदुरै था। इस संगम की अध्यक्षता नकीरर ने की थी। तो देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, दूसरे संगम की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने किया है, तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीरर ने किया है। तो पहला संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था मदुरै में हुआ था। तो यह आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो यह मदुरै थी, मदुरै कपाटपुरम मदुरै ऐसे करके, तो मदुरै थी। TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ पांड्य राज्यों की राजधानी मदुरै में बनी थी। इसे संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। इनकी संख्या 49 थी और इसमें 449 कवियों ने भाग लिया था। 449 कवियों को उनकी रचनाओं प्रकाशन की अनुमति प्रदान किया गया था। यह संगम 49 पांड्य राजाओं को संरक्षण प्राप्त था। इस संगम को 1850 वर्षों तक चलता रहा। इसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी। इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं नेदु थोकय, करुण थोकय, नत्री नई, पदित पट्टू, परिपादल, कुथु, वरी, परिसय और चित्रिसे है। यद्यपि इनमें से अधिकांश ग्रंथ नष्ट भी कर लिए गए। देखिए, 3 जो संगम थे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें अध्यक्षता किसने किया था यह ध्यान रखिएगा, और यह कहाँ हुआ था यह ध्यान रखिएगा। तो मदुरै कपाटपुरम मदुरै और अगस्त नकीरर, ऐसे इसे तो याद करना बहुत ही सरल है। प्रश्न 9 देखिएगा, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के स्रोत क्या उपलब्ध होते हैं? तो तमिलों की जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो संगम साहित्य ही तमिलों की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो तमिल भाषा में लिखा गया था। GIC में पूछा गया प्रश्न है ये। सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास का मुख्य साधन संगम साहित्य ही है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राज्यों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो ये जो संगम हुए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे, यह भी ध्यान रखिएगा। और तीनों संगम किसके अध्यक्षता में हुआ था यह ध्यान रखिएगा। और तीनों संगम कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11 देखिएगा, तुलकप्रियम किसी की विषय वस्तु क्या है? तो व्याकरण है, बिल्कुल PGT परीक्षा 2009 और 2010 में पूछा गया है, व्याकरण का ही ग्रंथ है तुलकप्रियम। द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं
प्रत्युत अदुतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयकर्ता जो हैं तुलकप्पियर हैं, ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में से एक हैं। ऋषि अगस्त के 12 शिष्य थे, जिस तरह से रामानंद के 12 शिष्य हैं, वैसे ही ऋषि अगस्त के 12 शिष्य हैं, और उसी 12 शिष्यों में से एक थे तुलकप्पियर, जिन्होंने तुलकप्पियम ग्रंथ लिखा था। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। किस शैली में की गई है? सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्यशास्त्र का भी उच्चतम ग्रंथ है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अंतिम दो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो वो है तुलकप्पियम। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है तुलकप्पियम। देखिए तुलकप्पियम एक ग्रंथ है, तो व्याकरण का ग्रंथ है। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यह आपका संगम साहित्य के कुल 13 प्रश्न थे व्याख्या के साथ, जो कम्प्लीट हुए हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे ही एक टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो मास्टर वीडियो में जोड़ दिया जाता है। तो जिनको 10-15 प्रश्न या 20 प्रश्न के वीडियो नहीं देखना है 10-12 मिनट का, तो आप लोग मास्टर वीडियो देख सकते हैं। तो घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, जहां पर टॉपिक टू टॉपिक आपका पूरा का पूरा घटनाचक्र का बुक कंप्लीट हो रहा है। वहां प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल, मरुत्तल काल, गुप्तोत्तर काल, और क्या बोलते हैं 600 ईसा पूर्व, और धार्मिक आंदोलन, सब एक क्रम से आपको मास्टर वीडियो मिल जाएंगे। जो 10-10-15-15 क्वेश्चन का जो वीडियो है 12 मिनट का, वो अलग प्लेलिस्ट में है। वो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री घटनाचक्र नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा। और जो मास्टर वीडियो है, वह सब एक टॉपिक को मिलेंगे। जैसे आपका संगम साहित्य आपका 13 प्रश्न पर ही कंप्लीट हो गया, छोटा टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया, वैसे ही अब यह आपका मास्टर वीडियो में जोड़ दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।